देखिए सैयद वंश के जो आपका पहले मैंने कहा तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद जो आपका आता है वो आता है सैयद वंश, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में करा दिया था, और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश, मैं आज इसमें आपका समाप्त कर दूंगा, ठीक है। जो सैयद वंश रहा है आपका 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए सैयद वंश की स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना करी थी वो खिज्र खान ने करी थी, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खान ने। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने करी थी 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में, ठीक है। और इसने जो खिजर खान ने शासन किया, इसके अगर शासन की बात करूं खिजर खान का, तो इसका साजन इसका जो शासन रहा खिजर खान का वो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा, ठीक है। 1421 ईस्वी तक इसका शासन रहा, ठीक है। देखिए इसकी उपाधि की बात करूं, जो इसकी उपाधि है, जो इसने उपाधि धारण करी, ठीक है, जो इसने उपाधि धारण करी थी, तो इसने वो करी थी रैयत ए आला की उपाधि, ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण करी, ठीक है। काय की उपाधि धारण करी? रैयत ए आला की उपाधि, रैयत ए आला, तो रैयत ए आला की इसने उपाधि धारण करी, ठीक है। तो इस चीज में इसको नोट कर लेना आगे, ठीक है। देखिए खिज्र खां जो था ये तैमूर लंग का सेनापति था, ठीक है। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, तो इस चीज में इसको नोट कर लें, ये तैमूर लंग का सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति था ये, ठीक है। तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। चलिए उसके बाद इसमें आगे जो आता है, उसके बाद जो इसमें जो शासक बना, उसके बाद बना मुबारक शाह, ठीक है। तो उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी, इसके बाद अगर बात करूं उत्तराधिकारी की, तो बना वो मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक खिजर खां, ठीक है, मुबारक शाह खिजर खां इसका उत्तराधिकारी बना, मुबारक शाह खिजर खां, खिजर खां, मुबारक शाह खिजर खां इसका उपाधि बना। इसने जो शासन किया मुबारक शाह ने, तो इसका शासन रहा 1421 से 1434 ईस्वी तक, ठीक है। मुबारक शाह खिजर खां का जो शासक इसका जो शासन रहा तो मुबारक शाह खिजर खां जो शासक रहा वो आपका 1421 से 1434 तक रहा, ठीक है। इसने और क्या किया? देखिए मुबारक शाह ने इसने मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण न करके अपने नाम के सिक्के जारी किए, ठीक है। इसने शाह की उपाधि धारण न करके शाह की उपाधि धारण न करके अपने नाम के सिक्के जारी किए, ठीक है। तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना, अपने नाम के सिक्के जारी किए,
ठीक है, तो इस चीज़ में इसको भी नोट कर लेना आगे। उसके बाद देखिए, इसने मुबारकबाद नगर की स्थापना करी, ठीक है, इसने जो करी मुबारकबाद नगर की स्थापना करी, मुबारकबाद नगर की स्थापना करी, मुबारकबाद नगर की स्थापना करी, नगर की स्थापना की इसने, ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना आगे। उसके बाद देखिए, इसने याहिया बिन एबन सरिंदी को मुबारक शाह राज्य श्रेय प्राप्त था, ठीक है, जो याहिया बिन अहमद था, याहिया बिन अहमद श्री को, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है, तो इसे जो था मुबारक शाह का राज्य श्रेय प्राप्त था, ठीक है, को मुबारक शाह का राज्य श्रेय प्राप्त था, मुबारक शाह का राज्य श्रेय प्राप्त था, ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लेना आप। उसके बाद देखिए, इसने जो ये था तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है, ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने इसने लिखा था, वो लिखा था तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है, तो इसने ये लिखा है, सरहिंदी ने लिखा है, ठीक है, तो इसने ये लिखा है, इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, मोहम्मद शाह इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना, वो मोहम्मद शाह बना, ठीक है, तो मुबारक शाह का उत्तराधिकारी जो बना, तो वो बना मोहम्मद शाह, ठीक है, उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना कौन बना, मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह इसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है, जो इसका वास्तविक नाम था, अगर वास्तविक नाम की बात करूं, इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन फरीद खां, ठीक है, तो मोहम्मद बिन फरीद खां इसका वास्तविक नाम था, मोहम्मद बिन फरीद खां इसका वास्तविक नाम था, ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना, ठीक है, देखिए, मोहम्मद शाह ने बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी थी, काय की उपाधि दी, खाने खाना की उपाधि दी, ठीक है, तो इस चीज में इसको भी नोट कर लेना आगे, ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए, अलाउद्दीन अलाम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक की बात करूं, इस वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक अलाउद्दीन अलाम शाह। ठीक है, अंतिम शासक अलाउद्दीन अलाम शाह, अलाउद्दीन अलाम शाह, अलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। ये जो रहा शासक 1443 से 1451 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो बाद में ये रहा 1443 से 1451 तक। इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो इसमें आता है वो आता है लोदी वंश। उसके बाद जो स्थापना हुई वो हुई लोदी वंश की, लोदी वंश की। लोदी वंश जो रहा आपका वो 1451 से 1526 तक रहा। ठीक है, 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। देखिए, लोदी वंश पर भारत, जो लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान शासक था। ठीक है, प्रथम अफगान ये वंश था लोदी, जो वंश है इसमें अगर बात करूँ, लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला, भारत पर शासन करने वाला, शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। ठीक है, प्रथम अफगान वंश था। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करूँ, देखिए दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक तो बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। देखिए, इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं, इस वंश के प्रमुख शासक की अगर बात करूं, इस वंश के प्रमुख शासक, तो प्रमुख जो शासक थे इसमें, एक तो था बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी, दूसरा था सिकंदर लोदी, तीसरा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये इस वंश के प्रमुख शासक थे। अब इसमें बात कर लेते हैं पहले बहलोल लोदी की। अगर बात करूं बहलोल लोदी, देखिए बहलोल लोदी का जो शासन रहा वो 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1451 से 1489 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करूं, देखिए इसने 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। ठीक है, बहलोल लोदी
बहलोल लोदी, बहलोल लोदी गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना, ठीक है। तो इस चीज में इसको नोट कर ले रहा। ठीक है, अगर इसकी बात करूं बहलोल लोदी की, तो इसने सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इस चीज में इसको भी नोट कर लें, बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में शामिल कर लिया था। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए ये अपने सरदारों को, जो बहलोल लोदी था अपने सरदारों को, मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, ठीक है, तो इस चीज़ में इसको भी नोट कर लेना। इसने क्या किया, देखिए बहलोल सिक्के चलाए, ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को भी नोट कर लेना, इसने बहलोल सिक्के चलवाए थे। और देखिए इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना वो इसका पुत्र सिकंदर लोदी इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, अगर बात करूं इसका पुत्र की, तो इसका पुत्र था सिकंदर लोदी इसका पुत्र था जो इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी बना सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिकंदर लोदी। अगर बात करूं सिकंदर लोदी की, तो इसका जो शासन रहा 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है, 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ठीक है, देखिए इसका जो वास्तविक नाम था, अगर इसके वास्तविक नाम की बात करूं तो निजाम खां इसका वास्तविक नाम था। ठीक है,
निजाम खां इसका वास्तविक नाम था। चलिए आगे इसमें बात करूं, देखिए इसने जौनपुर के हुसैन शाह, जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को पराजित करके हुसैन शाह को पराजित करके इसने बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया था। ठीक है, बिहार और तिरहुत को तुरुत को दिल्ली में मिला लिया, दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। देखिए इसने मोट मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, तो इसका जो वजीर था सिकंदर लोदी के वजीर ने मोट मस्जिद का निर्माण कराया 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में मोट मस्जिद का निर्माण कराया, मोट मस्जिद का निर्माण। तो मोट मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया। ठीक है, सिकंदर लोदी के वजीर ने तो सिकंदर लोदी के वजीर ने मोट मस्जिद का निर्माण कराया। और इसने 1504 में, 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव डाली। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव डाली। ठीक है, आगरा नगर की नींव डाली। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना आगे। और इसने 1506 में, 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगरा को राजधानी बनाया, आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसने जो किया है, देखिए इसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया। ठीक है, भूमि मापने के लिए भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया, गज ए सिकंदरी। गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। और इसने क्या किया, देखिए इसने मुसलमानों को तजिया निकालने, ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार जाने पर प्रतिबंध लगाया। ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया।
ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरंगे ए सिकंदरी के नाम से इसने अनुवाद कराया। ठीक है, संस्कृत के आयुर्वेद, संस्कृत के आयुर्वेद, आयुर्वेद ग्रंथ फरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। फरंगे सिकंदरी, सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना आगे। देखिए इसने और क्या किया, और इसकी बात करूं तो इसने गुल रूखी नामक शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी। ठीक है, गुल रूखी नामक शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी, ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। और इसने क्या किया, अनपढ़ लगने वाला कर जकात समाप्त कर दिया। अनपढ़ लगने वाला कर, जकात को समाप्त कर दिया, जकात समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। उसके बाद जो आता है इसमें आता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लोदी, तो हमारा लोदी वंश भी आज इसमें समाप्त हो जाएगा। देखिए इब्राहिम लोदी जो रहा 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये जो था सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था। ठीक है, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी का 1517 में, 1517 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। ठीक है, दिल्ली का शासक बना 1517 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसने क्या किया था, इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण, भारत पर आक्रमण निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और आपका इब्राहिम लोदी के चाचा
आलम खान ने दिया था, ठीक है, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। चाचा आलम खान ने दिया। ठीक है, तो इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का चिन्हौता दिया था। उसके बाद 1526 में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जिसमें बाबर विजयी रहा, ठीक है, इसमें क्या हुआ, बाबर विजयी रहा। तो बाबर इसमें विजयी रहा, ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोदी की इसकी उसके बाद और क्या हुआ, इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है, उसके बाद ये युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में मारा गया और इसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। तो ये ऐसा सुल्तान था, देखिए इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान था तो ये भारत का एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है। एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है। तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना। और इसकी मृत्यु के बाद लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया, ठीक है। मृत्यु के बाद लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ में इसको आपको नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक में देखिए मैंने आपका सारा करा दिया, इसमें सैयद वंश तक का इसमें मैंने करा दिया आपका। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक में देखिए इसमें जो दिल्ली सल्तनत के वंश थे मैंने आपके 1206 से 1526 तक सारे करा दिए सल्तनत काल के, ठीक है, और आपको समझ में भी आए होंगे। और इससे संबंधित मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। उसके बाद बाबर आता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में, ठीक है। तो उससे पहले इसके जो मोस्ट पॉइंट हैं, सल्तनत शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में भी इसमें मैं कल आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय इसके टॉपिक के इसी में आगे के टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।